शिवराज सरकार मिलावट के खिलाफ एक बार फिर एक्शन मोड में आ गई है। मिलावट के खिलाफ अभियान को तेजी देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने 3 चलित प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि अब तक कुल 15 चलित प्रयोगशालाओं से मौके पर जाँच की जा रही है। नवम्बर 2020 में मिलावट के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गयी थी। अब तक 41 मिलावटखोरों पर रासुका की कार्रवाई हो चुकी है। 438 पर FIR, सर्विलेंस से 2,27,000 सैंपल और चलित प्रयोगशालाओं से 20,000 से ज्यादा नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर जिले में चलित प्रयोगशालाओं के जरिए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान में और तेजी लाई जाएगी। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि दुकानदार भी इन प्रयोगशाला का उपयोग कर सकेंगे। मौके पर टेस्टिंग के लिए दुकानदारों को सिर्फ 10 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। विंध्य किरण के लिए डेस्क की रिपोर्ट। अंदर हम लोगों ने चलाया जिससे शुद्ध खाद्य पदार्थ नागरिकों को मिल सके। अगर कोई मिलावट करता है तो उसको शीघ्र पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और इतनी जो कार्रवाइयां की गई हैं, आप जानते हैं कि इसलिए इतने लोगों के खिलाफ जो लोग इसमें लिप्त पाए गए उनके खिलाफ NSE की भी कार्रवाई की गई है, FIR भी उन लोगों के खिलाफ की गई और जो भी दंड लगाया गया उसकी वसूली भी न्यायालयों के द्वारा की गई है। तो इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों को जांचने के लिए जो चलित प्रयोगशालाएं आज जो 3 और जिनका हम लोग आज यहां से हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए हम भेज रहे हैं वहां पर भी ये जांच की सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी जिससे नागरिकों के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके और लोगों का एक विश्वास बढ़ सके। उसके प्रति लगातार हमारा ये डिपार्टमेंट है ये पूरी तरीके से काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी जहाँ छोटे छोटे कस्बों भी है जिले के वहाँ पर भी ये हमारे जो चलित प्रयोगशाला वहाँ पर जाती है और वहाँ पर नमूने लेकर इनका जांच किया जाता है। कई जो प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनको कि हम लोगों ने पूरे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, तोड़फोड़ भी की गई है। कई आपके चाहे मुरैना हो या आपका भिंड हो या अन्य जिलों में इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इससे जो सुविधाएं हम लोग बढ़ा रहे हैं जिससे कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो यूटराइट का जो प्रतियोगिता की गई उसमें भी काफ़ी हमारे जिलों में काम किया है। और इससे मैंने जैसा कि आपको बताया कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और सागर का भी चयन इसमें किया गया है। शुद्धता के लिए हम लोगों के लिए ये प्रयोगशालाएं निश्चित रूप से एक कारगर सिद्ध होंगी और लोग कोई भी जांच इसमें करा सकता है और अपना स्वयं दुकानदार भी इस प्रयोगशाला के माध्यम से 10 रुपए का एक रसीद कटाकर और इसमें जांच करवा सकता है। तो शुद्धता के लिए जो मिलावट से मुक्ति अभियान नवंबर में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में चालू किया था वो लगातार सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो मिलावटखोर हैं उनमें भी कमी आई और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिससे लोगों में एक शुद्ध खाद्य पदार्थ हम लोगों के लिए उपलब्ध करा पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम जो 3 चल प्रयोगशालाएँ हैं उनको यहाँ से रवाना करेंगे।